आज आप लोग हमारा जन्मदिन में प्रेम आदर और श्रद्धा से मना रहे हैं। ये देखकर ऐसा लगता है कि हमने ऐसा किया ही क्या है जो आप लोग इस तरह अपना प्रेम दिखा रहे। आज मैं आपको एक अनूठी बात बताने वाली हूँ कि हमारे अंदर जो मन या माइंड नाम की संस्था है वो एक मिथ्या बात, वो मिथ्या ऐसी है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर ये मन नाम की बात कोई नहीं। जब धीरे धीरे हम बाह्य में प्रतिक्रिया करते हैं दोनों तरह, या तो कोई हमें संस्कार बनाता है और कोई हमारे अंदर अहंकार का भाव जागृत होता है, तब उन प्रतिक्रियाओं से जो हमारे अंदर चीज जागृत होती है वो बुलबुलों के तरह इकट्ठी हो जाती है और ये हमारे विचारों के बुलबुले हमारे अंदर मन नाम की एक कृत्रिम संस्था बना। ये सारी चीजें हमारे अंदर ऐसी घटित होती है कि जिससे हम खुद ही बना करके और उसी की गुलामी करते, जैसे घड़ी इंसान ने बनाई है और हम घड़ी की गुलामी करते। सहज में फिर आप कालातीत हो जाते हैं, आप इससे परे उठ, समय आपके साथ चलने लगता है, आप समय के पीछे नहीं दौड़ते। अब कंप्यूटर आजकल लोग बना रहे हैं, कंप्यूटर के बनाने से उसी की गुलामी लोग करने लगे और उस गुलामी में इस कदर बह गए हैं कि वो ये नहीं समझ पाते कि कंप्यूटर ही उनको पूरी तरह से दबोचे हुए है, उनको कंट्रोल कर, उसके ताबे में आ गए, उसके काबू में आ गए और उसके बगैर इनका कुछ काम नहीं चलता। अभी तक हिंदुस्तान में इसकी प्रथा इतनी आई नहीं, नसीब समझ लीजिए, नहीं तो आप भी दो और दो को मिलाना के लिए भी कंप्यूटर आप पूछे वो भी आप नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि अपनी बुद्धि आप इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो आपका जो मस्तिष्क में बुद्धि का वास्तव्य है वो तो सत्य है, किंतु ये जो मन है ये एक बनाई हुई कृत्रिम हमारी अपनी तरफ की जो प्रतिक्रियाएं हैं अहंकार की और हमारे संस्कारों की, वो बनी हुई एक बहुत ही कृत्रिम सी एक क्षणिक चीज है। फिर हम इसी से हमेशा प्लावित रहते हैं, खास करके जो लोग अपने को बहुत ही सोचते हैं कि हम बहुत विद्वान, बहुत समझदार, बड़े पढ़े लिखे हैं, उन्होंने इस मस्तिष्क को पूरे तरह से इस मन से भर दिया, मन इनके ऊपर छाया हुआ और जहाँ चाहे मन वहीं बहते रहते हैं, उस बहाव में बहते रहते हैं, उस ओर चलते रहते हैं। एक कृत्रिम सी चीज अपने अंदर स्थापित हो गई है जिसे हम मन कहते हैं। असल में मन नाम की कोई चीज न थी न है, इसीलिए मन से परे जाना ही सहज का कार्य। जब आप मन से परे जाएंगे तभी आप उस शांति को प्राप्त कर सकते, क्योंकि मन हमेशा विचारों से, जो कि अहंकार और हमारे संस्कार प्रत्यहंकार से आते रहता है, उसे आडोलित, इसलिए कोई शांति आप महसूस नहीं। अगर शांति को आपको प्राप्त करना है तो इस कृत्रिम मन से परे जाना चाहिए, और इसीलिए हमारे यहाँ जो प्रथम दशा सहज की मानी जाती है, जिसे कि हम निर्विचार समाधि कहते हैं, उसको प्राप्त करना। उसके प्राप्त करते ही आप देखते हैं कि आप शांत हो जाते हैं, आपके अंदर जमे हुए जो कुछ विचार हैं जो कि एकत्रित हो गए और जिनके कारण आप गलत गलत चीजों में घुसे रहते हैं और परेशान रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, वो सभी एक तरह से चीज मिट जाती। ये विषय आज नया मैंने शुरू किया है क्योंकि अब भी हमारा निर्विचार में समाधिस्थ होना कुछ कम है, और जब तक आप निर्विचार में उतरेंगे नहीं तब तक आप चारों तरफ फैली इस परमेश्वर की शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, उससे संबंधित नहीं। यही जो बीच में मन की जो स्थापना हुई है, यही आपकी स्थिति जो कि योग में होनी चाहिए उसे खत्म कर